आइए दोस्तों, आज के वीडियो में देखते हैं कि कैसे एक जो ट्रेंडिंग लुक है आजकल, कोई भी आप पोर्ट्रेट फोटोज लेते हैं मोबाइल में तो कैसे एडिट करते हैं, जो प्रोफेशनल्स रहते हैं वो कैसे एडिट करके एक हट कैसे, मतलब कि एक थोड़ा अलग ही लुक रहता है, वैरायटी उसका, लेट्स से कि थोड़ा एम्बर कलर का हो या फिर थोड़ा एक्वा कलर का एंड टील कलर का, जो फेमस लुक्स है अलग अलग कैसे करते हैं, आप भी कर सकते हैं अपने घर में अपने मोबाइल में, लेकिन उसको एडोबे लाइटरूम चाहिए क्योंकि वहाँ पर हम जो कलर्स रहता है उस चीज़ को चेंज करने वाले हैं। एंड इसके साथ मैं आपको बेसिक जो फोटोग्राफी का फंडामेंटल्स रहता है, शेडोज, हाइलाइट्स, एक्सपोजर, कॉन्ट्रास्ट, वैसे रहता है वाइट्स एंड ब्लैक्स का, तो कैसे उस लेवल को ठीक से सेट करें ताकि आपका फोटो भी प्रोफेशनल की तरह बने, तो ये सारा चीज़ मैं इस वीडियो में कवर करूंगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन दैट सब्सक्राइब बटन एंड वैसे लाइक और शेयर करके हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए। तो चलिए देखते हैं, अगर आपको ऐसे वीडियोस भी पसंद आता है ना तो डोंट फॉरगेट टू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो कि कैसे नेक्स्ट जो ट्यूटोरियल मैं बनाता हूं, आपको कैसे लुक वाला चाहिए, किसका लुक वाला चाहिए वो भी आप बता सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या कुछ चेंज करना है वैसे लुक पाने के लिए। इस वीडियो में थोड़ा मैजेंटा लुक देंगे हम इस इमेज को। तो सबसे पहले एडोबे लाइटरूम ओपन करने के बाद ऑफ कोर्स फोटो आपको ओपन करना है, एंड ऐसे वाले जो इमेजेस रहते हैं पोर्ट्रेट्स जो ऐसे कैप्चर करते हैं, सबसे पहले ध्यान में रखना है कि इसका जो डिटेल रहता है फेस का वो खोना नहीं है। जैसे कि आप टूल्स नीचे देख रहे हैं, पहले हम इसको लाइट यूज़ करेंगे सबसे पहले, क्योंकि यहाँ पर हमें सेट करना होता है एक्सपोजर, कॉन्ट्रास्ट, हाईलाइट, शेडोज एंड इवन वाइट्स एंड ब्लैक्स। तो इस चीज़ का अगर बेसिक फाउंडेशन सही बना लेते हैं तो बाद में क्या है, जैसे कलर्स चाहिए वैसे आप ट्यून कर सकते हैं, जैसे कि म्यूटेड कलर लुक हो, ऑरेंजिश हो या फिर मैजेंटा लुक हो, जो भी आजकल फेमस है वैसे आप कलर्स को चेंज कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले जो बेसिक फंडामेंटल रहता है उस चीज़ को चेंज करना ज़रूरी है। तो एक्सपोजर यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि ज़्यादा ओवर एक्सपोज्ड भी नहीं, अंडर एक्सपोज भी नहीं, मतलब कि एक्सपोजर ठीक ही है, 0.0 इस चीज़ को चेंज करने की ज़रूरत नहीं। द नेक्स्ट वन इज़ कॉन्ट्रास्ट। देखिए कॉन्ट्रास्ट ही इमेज जो कहते हैं ऐसे दिखता है आपको, मतलब कि एकदम सामने उठ कर दिखेगा, अगर कॉन्ट्रास्ट को लो करेंगे तो एक तरह का फेडेड लुक आपको देगा। आपको पता है इंस्टाग्राम पर फेडेड लुक आजकल ज़्यादा ट्रेंडिंग है, वैसा भी दे सकते हैं आप, लेकिन इस पर्टिकुलर फोटो को थोड़ा कॉन्ट्रास्ट में चेंज करूँगा। यहाँ पर आप नंबर देख सकते हैं कितना रखा हूँ, वैसे आप चेंज कर सकते हैं। तो लेट्स से कॉन्ट्रास्ट 12 रखा हूँ, एंड नेक्स्ट है हाइलाइट्स। हाइलाइट्स मतलब कि जो भी यहाँ पर ब्राइटर एरियाज होता है, जैसे कि वाइट्स का जो है इसमें जो डिटेल्स छुपा रहता है उसका अगर डिटेल आप चाहते हैं कि वो उठ कर दिखे तो हाइलाइट्स को आपको रिड्यूस करना है। अगर हाइलाइट्स ज़्यादा करेंगे तो ओवर ब्राइटन होगा ऐसे, जैसे आप देख सकते हैं। तो इस चीज़ को हम ऑफकोर्स कम करेंगे, लाइक -35-36 पर जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो रिंकल्स है शर्ट का वो अच्छी तरह से दिखाई देगा। तो हम बेसिक फंडामेंटल बना रहे हैं ये फ़ोटो ठीक से एक्सपोज्ड इमेज, उसके बाद हम कलर सेट करेंगे। द नेक्स्ट वन इज़ शेडोज़। तो शेडोज़ देखिए यहाँ पर जो ब्लैक्स एंड इवन आप थोड़ा फेडेड लुक भी बना सकते हैं शेडोज़ को अगर ज़्यादा करेंगे तो आई थिंक अराउंड 25-26 हम रखेंगे, 27 अभी रखा हूँ शेडो को। द नेक्स्ट वन इज़ वाइट। तो वाइट यहाँ पर देख सकते हैं कितना वाइट कलर है इसमें, इवन आप इसमें हिस्टोग्राम का मदद भी ले सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं जो शेडेड एरिया मतलब कि शेडो एरिया कहाँ पर है। अगर मैं फॉर एग्जांपल ब्लैक्स को फुल ब्लैक करूँ तो यहाँ पर देखिए हिस्टोग्राम लेफ्ट साइड जो है वो जा रहा है, मतलब कि जो ब्लैक्स में कुछ डिटेल्स रहता है वो उठकर नहीं दिखाई देगा, तब जाकर वो स्पाइक बन जाएगा लेफ्ट साइड में, एंड राइट साइड एक्सट्रीम राइट में आपको हाइलाइट्स रहेगा। तो इस चीज़ को बैलेंस में रखना है हमेशा। तो ब्लैक्स को अराउंड -14-15 या फिर -17 तक रखेंगे। यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं हेयर में इवन थोड़ा स्लाइट डिटेल्स जो है वो उठकर दिखाई देगा। द नेक्स्ट वन यहाँ पर जो टेम्परेचर का सिंबल है थर्मामीटर का, तो इस पर टैप करने वाले हैं। यहाँ पर वाइट बैलेंस सेट करना ज़रूरी होता है। वाइट बैलेंस मतलब जो हम आंखों से देखते हैं डायरेक्ट कलर जो रहता है जब फोटो लेते वक्त वो एक्चुअल कलर रहता है, तो इवन फोटो में वैसा ही कलर आना चाहिए, तो इसके वजह से उसको वाइट बैलेंस कहते हैं। सो वाइट बैलेंस आई थिंक प्रीटी मच यहाँ पर ठीक ही है, थोड़ा वार्म साइड लग रहा है मुझे, इसके वजह से थोड़ा कूल करूंगा, तो कूल लेफ्ट साइड है अराउंड -14-15 तक रखेंगे। वैसे ही टिंट क्योंकि मैं मैजेंटा लुक ला रहा हूँ इस पिक्चर में, तो +1, +2 या फिर लेट्स से +4 यहाँ पर रखेंगे। तो अभी आप देख सकते हैं बिफोर इमेज ऐसा था क्वाइट वार्म कलर, एंड इसके बाद थोड़ा हम कूल लुक दिया है इसको, एंड वाइब्रेंस है
वाइब्रेंस को अराउंड 12 to 15 रखेंगे, 13 रखा हूँ। तो सैचुरेशन जो है इसको ज़्यादा छूना नहीं, क्योंकि सैचुरेशन अगर ज़्यादा करेंगे तो एवरी कलर जो है उसका सैचुरेशन ज़्यादा हो जाएगा सडनली। तो इंस्टेड ऑफ सैचुरेशन आप वाइब्रेंस को यूज़ कर सकते हैं। द नेक्स्ट वन इज इम्पॉर्टेंट जो कलर्स चेंज करने में, लेकिन उससे पहले जो है हम इसको थोड़ा विनेटिंग देते हैं। विनेटिंग देखिए, सब्जेक्ट जहाँ पर है उस पर फोकस करने के लिए विनेटिंग ज़रूरत है। तो विनेट को हम चेंज करते हैं, लेट्स से -26, 27, एंड यहाँ पर मिड पॉइंट जो है उसको हम चेंज करेंगे अराउंड 44 रखेंगे, 40 to 44। या नेक्स्ट वन इज़ फेदर, तो फेदर थोड़ा मतलब कि ऐसे अगर ज़्यादा डार्क आ रहा है एडजस्ट पर तो फेदर बढ़ा सकते हैं। एंड द नेक्स्ट वन इज़ राउंडनेस, तो राउंडनेस को अराउंड 20-21 रखेंगे ताकि वो ठीक से फ्रेमिंग कर पाए। द नेक्स्ट वन इज़ हाइलाइट्स, तो इसको यूज़ कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द फोटो, यहाँ पर हम यूज़ नहीं करेंगे। द नेक्स्ट वन इज़ शार्पनेस, तो शार्पनेस हम इसको अराउंड 25 रखेंगे क्योंकि पोर्ट्रेट इमेज है, ज़्यादा भी शार्पनेस नहीं रखना है। एंड कलर नॉइस रिडक्शन वो सब रखने की ज़रूरत नहीं। एंड यहाँ पर जो है डिस्टॉर्शन एज वेल एज क्रोमेटिक एबरेशन, मतलब कि जो एडजस्ट पर कहीं बार जो कलर्स आता है वो रॉन्ग कलर आता है क्योंकि वो इमेज सेंसर वैसे डिटेक्ट करता है, तो इसकी वजह से क्रोमेटिक एबरेशन को आप हमेशा एनेबल करके रखना है। तो जैसे कि आपने देखा हम पहले फंडामेंटल्स को सेट किया है, तो फंडामेंटल्स को सेट करने के बाद बेसिकली अभी हम कलर्स को चेंज करेंगे। तो इसके वजह से क्या होता है, जो भी बेसिक हमने चेंज किया है वो फंडामेंटल्स ठीक रहेगा, तो उसके ऊपर आप जैसे आइसिंग ऑन द केक कहते हैं ना, तो आइसिंग जो है वो कलर्स है एंड केक जो है वो फंडामेंटल्स ठीक से आपको लेकर आना है कोई भी फोटोस में। तो उस चीज़ को अभी हमने सेट किया है, तो अभी हम आइसिंग डालेंगे केक पर। तो चलिए कलर्स को कैसे चेंज करते हैं वो देखेंगे। सो इतना चेंज करने के बाद बेसिक हम यहाँ पर फिर से टेम्परेचर पर क्लिक किया हूँ एंड यहाँ पर मिक्स जो है सारा का सारा मैजिक यहीं पर है, यहीं पर होता है, कलर्स जैसे आपको चाहिए वैसा। तो फटाफट अभी चेंज करेंगे इस चीज़ को। सो द फर्स्ट वन कलर, यहाँ पर जो कलर्स है उसके हिसाब से यहाँ पर चेंज करना पड़ता है। तो सबसे पहले यहाँ पर रेड है, तो इस चीज़ में हम रेड ज़्यादा नहीं फोकस करेंगे क्योंकि ऑरेंज ज़्यादा है, तो ऑरेंज एक तरह का मैजेंटा लुक लाने वाला है, तो उसके हिसाब से हम चेंज करते जाएंगे। तो आप फटाफट जल्दी से देखते जाइए कि मैं कैसे कौन सा कलर्स चेंज करते जाता हूँ। नंबर्स राउंड 2, देन सैचुरेशन थोड़ा बढ़ाएंगे, सैचुरेशन ज़्यादा नहीं, और थोड़ा ऑरेंज को ब्राइट करेंगे, लेट्स से अराउंड 15 or 16। ऑल राइट, द नेक्स्ट वन इज़ येलो कलर, तो येलो ग्रीन कॉम्बिनेशन ह्यू है, तो इस चीज़ को हम म्यूटेड लुक देने वाला है थोड़ा, तो अराउंड -56 एंड सैचुरेशन को ज़्यादा करेंगे 40-45 एंड लुमिनोसिटी -24 डार्क करेंगे। तो नेगेटिव ल्यूमिनेंस रखेंगे तो डार्कर होगा जो भी कलर्स है। द नेक्स्ट वन इज़ ग्रीन, तो ग्रीन को हम अभी ज़्यादा करेंगे डार्कर कलर, डार्कर ग्रीन चाहिए यहाँ पर जो भी है। एंड द सैचुरेशन लेट्स से कि अराउंड 15-16 एंड लुमिनेंस इज माइनस क्योंकि डार्क करना है। द नेक्स्ट वन इज़ एक्वा कलर, एक्वा ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि इतना भी एक्वा कलर्स इसमें नहीं है, लेकिन फिर भी अभी मैं आपको दिखाऊँगा क्या होता है एक्वा कलर चेंज करने से। As you can see, कैसे यहाँ पर जीन्स का जो कलर है एंड यहाँ पर जो नेवी ब्लू कलर है उस चीज़ पर अफेक्ट होगा। एंड लेट्स चेंज द ब्लू, तो यहाँ पर देख सकते हैं एक ट्रेंडिंग लुक है थोड़ा टील कलर का, जैसे कि आप देख सकते हैं अगर मैं ब्लू का माइनस में लेता हूँ ह्यू -52, तो ये ज़्यादा हुआ है, इतना नहीं रखेंगे, अराउंड 30-35 रख सकते हैं। तो जीन्स का कलर एकदम चेंज हो गया है, मैं बिफ़ोर आफ्टर दिखाता हूँ ना, तब आपको पता चलेगा कि क्या हो रहा है यहाँ पर। तो सैचुरेशन ज़्यादा करेंगे एंड लुमिनेंस अगेन थोड़ा डार्क करेंगे जीन्स को, ब्राइट नहीं। एंड द नेक्स्ट वन इज़ क्योंकि हम मैजेंटा लुक ला रहे हैं, तो यहाँ पर दो है लास्ट में, वो वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, तो इस चीज़ को हम चेंज करके -24 एंड इंक्रीज द सैचुरेशन लिटिल बिट, लुमिनेंस को 0 ही रखेंगे। इसके बाद पिंक है, तो इस पिंक का हम थोड़ा चेंज करेंगे, यस ऑल्सो सैचुरेशन थोड़ा कम करेंगे एंड लुमिनेंस वही रखते हैं। तो एज यू कैन सी गाइस, अभी हमने ऐसे जो ट्यून किया है कलर्स को, तो उसके हिसाब से यहाँ पर हम पहुँचे हैं। तो बिफ़ोर अगर हम देखें तो दिस वॉज द बिफोर इमेज
एंड आफ्टर इमेज, कैसे मूड को चेंज करता है सिर्फ कलर्स चेंज करने से, आप जैसे कि देख रहे हैं। एंड यहाँ पर जो है बिनेटिंग में थोड़ा इसका क्लैरिटी बढ़ाएंगे लाइक 12 to 15 एंड इसके बाद थोड़ा डीहेज। यस प्रीटी मच दैट्स इट। सो मेरे प्रीसेट्स भी अवेलेबल है अगर आपको चाहिए तो, अलग अलग सिर्फ एक ही टैप करने से अलग अलग पिक्चर्स को आप इंस्टेंटली वो अप्लाई कर सकते हैं, इतना सारा अगर नहीं करना चाहते हैं तो क्विकली अगर एडिट करना चाहते हैं तो। ओके सो ये जो इमेज है आउट ऑफ द बॉक्स डायरेक्ट क्लिक किया गया इमेज है। अगर आप मेरे प्रीसेट्स को यूज़ करेंगे तो प्रीसेट्स पर टैप करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं वैरायटी है, फूड फोटोग्राफी के लिए अलग है, लैंडस्केप के लिए अलग है, वैसे पोर्ट्रेट्स के लिए अलग है, अलग अलग स्किन टोन्स, अलग अलग कलर्स, तो ढेर सारे प्रीसेट्स मैंने बनाया है। अगर आपको चाहिए तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। इंस्टेंटली बेसिकली क्या करता है, सिंगल टैप, अगर मैं टैप कर दूँ तो इंस्टेंटली फोटो को ट्रांसफॉर्म कर देता है, जो भी सेटिंग्स मैंने दिखाई वो ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाता है। तो आप सिर्फ ऐसे कर सकते हैं, दिस वॉज द बिफोर इमेज, दिस इज़ द आफ्टर इमेज। तो पोर्ट्रेट अगर वो अच्छा नहीं लगता है तो ये यूज़ कर सकते हैं आप, तो ऐसे आप अलग अलग पोर्ट्रेट्स का जो प्रीसेट्स अवेलेबल है वो आप ज़रूर यूज़ कर सकते हैं। दूसरे इमेज में लगाऊँ तो, सो लेट्स से कि ये वाला इमेज है, अगर इसमें इस पर मैं प्रीसेट्स लगाऊं तो कैसे दिखाई देगा, ये है फ्लोरा, मतलब ज़्यादा फ्लावर्स है तो ये यूज़ कर सकते हैं। वैसे पोर्ट्रेट्स वर्शन 4 है, मैजेंटाइश लुक जो मेरा ट्रेडमार्क है, तो यहाँ पर देख सकते हैं दिस वाज द बिफोर एंड दिस इज़ द आफ्टर इमेज। सिंगल एक ही टैप करने से सारा सेटिंग्स चेंज हो जाता है। तो ऐसे प्रीसेट्स आपको पसंद है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। ज़्यादा प्राइसिंग नहीं इसका, आप चीपर प्राइसिंग में मिल जाता है आपको। तो दोस्तों ऐसे वीडियोस अगर आप चाहते हैं तो डोंट फॉरगेट टू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो, हिट दैट लाइक बटन, सब्सक्राइब करके बने रहिए। तो मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।